फ्रॉम कुक क्विक विद कविता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ बहुत ही खास बनाएंगे बिकॉज आज कुछ स्पेशल डे है। सो मुझे अपने किड्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनानी है जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और उससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। सो आज हम कुछ बनाएंगे एवोकेडो के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। इस तरह से होता है, उसे हम इससे ऐसे काटेंगे, उसका अंदर बड़ा सीड होता है, वो हमें निकाल देना है। और उसे कैसे निकालना है वो अभी मैं प्रोसीजर आपको बताती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है आपने बहुत सारी रेसिपीज देखी होगी एवोकेडो के साथ। आज हम बना रहे हैं गुआकामोले और उसके साथ फिर हम उसे किस तरह से दो चीज़ों से खा सकते हैं, दो तरीकों से खा सकते हैं। सो हम बनाएंगे वो इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हैं, आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। एवोकेडो के बहुत सारे फायदे हैं। एवोकेडो में विटामिन सी, ई, के और मैग्नीशियम, B6, पोटेशियम, ओमेगा 3, बहुत सारे उसके फायदे हैं। एवोकेडो खाना और लेडीज़ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज उनको जो ओवेरी और सिस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है और कैंसर प्रिवेंटिंग है। सो आज हम बनाएंगे एवोकेडो के साथ बहुत अच्छी सी चीज़ गुआकामोले। इसके लिए मैंने ये ले लिया है, मेरा जो एवोकेडो है वो बड़ी साइज़ का है। छोटी साइज़ के मिले तो आप दो ले सकते हैं। इसका ये सीड निकाल देना है हमें इस तरह से। और इसे किस तरह से इससे निकालना है ये इसको अंदर ऐसे स्पून डाल के आप निकाल सकते हैं बॉल में। इसका अभी जो ये स्किन है ये कड़क हो गया है और आप हाथ लगाएंगे तो सॉफ्ट रहेगा, इसका मतलब वो राइप हो गया है। और उसको इस तरह से हम इसमें से निकाल देंगे। जैसे ही हम एवोकेडो निकालते हैं उसके ऊपर पहले हमें लाइम जूस डालना है, नींबू निचोड़ लेना है, नहीं तो वो थोड़ा सा काला पड़ जाता है। तो पहला जो फर्स्ट थिंग हमने करना है वो इसे थोड़ा सा अच्छे से मैश कर लेंगे और इसके ऊपर हम एक हाफ लेमन डाल देंगे। उसके बाद मैं बताऊंगी हमें इसमें क्या क्या ऐड करना है। ये मैंने एवोकेडो को निकालने के बाद उसे मैश कर लिया है। बहुत इजीली मैश हो जाता है बिकॉज वो अंदर से नरम होता है। और हमने इसमें लाइम जूस डाल दिया है। अब हम इसमें और सब चीज़ें डालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया एवोकेडो बहुत ही अच्छा है, ये कॉन्स्टिपेशन भी प्रिवेंट करता है, कैंसर के लिए भी अच्छा है, कैंसर भी प्रिवेंट करता है, हार्ट डिजीज़ के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, बोन्स और विजन उसके लिए भी बढ़िया है। बहुत सारे गुण हैं एवोकेडो में। अब इसमें हम ऑनियन डालेंगे, बहुत बारीक कटा हुआ ऑनियन डालना है इसमें। मेरा एवोकेडो बड़ा था और इसके लिए मैंने एक ऑनियन लिया है मीडियम साइज़ वाला और वो हम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ग्रीन ऑनियन है तो वो भी डालेंगे, नहीं तो मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा साइज़ का ऑनियन ले लेती, पर मेरे पास ग्रीन ऑनियन था और ये डालने से इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। हम इसमें ये भी ऐड कर देंगे। इसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद बारीक कट कर लिया है। अभी मेरे पास जलपिनोस हैं और जो मैंने बारीक काट लिए हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी बिकॉज मुझे थोड़ा सा स्पाइसी खट्टा पसंद है। ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। और इसमें सॉल्ट पहले थोड़ा सा मीडियम डालेंगे, उसे चख के देखेंगे, उसके बाद स्वाद अनुसार हम और ऐड कर सकते हैं बाद में। मैंने हाफ लेमन पहले डाल दिया था, इसमें और हाफ लेमन जाएगा क्योंकि मेरा एवोकेडो मेरी जो एवोकेडो की साइज थी वो बड़ी थी। सो उसमें एक मैं पूरा लेमन डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें धनिया डालेंगे हम बहुत सारा, इसकी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है। और आपको पता है धनिया के कितने सारे गुण हैं, धनिया खाना चाहिए। एक तो वो ग्रीन कलर का है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया है।
पर ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स आप ध्यान से काटिए, क्योंकि रेनी सीजन में हमें बहुत ध्यान से सब ग्रीन वेजिटेबल्स को काटना है, धोना है अच्छे से। और कुकिंग शुरू करने से पहले अपने हाथ ज़रूर वॉश कीजिए। ये हमारा इतना रेडी हो गया है, अब इसमें हाफ लेमन और डाल देंगे हम। इसमें अभी हम हाफ लेमन ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमारा एवोकाडो का गोकामोली इज रेडी टू ईट। अभी हम इसे सर्व करेंगे। हम इसे सर्व करेंगे दो तरीक़ों से। एक तो मैंने इसको ये ब्रेड टोस्ट कर लिया है और उसके ऊपर आप स्प्रेड करके लगा सकते हैं ये। इस तरह से स्प्रेड करके लगा सकते हैं, इसको टोस्ट करके खा सकते हैं, या तो सिंगल ओपन सैंडविच की तरह भी खा सकते हैं आप। अगर आपको पीसेस रख के खाना है तो इसके ऊपर पीसेस रख के भी खा सकते हैं। ये सैंडविच बहुत ही अच्छी रहती है, यू फीलिंग रहती है। दूसरा है ये नाचोस के साथ, मैं आपको बताऊँगी अगर हम सर्व करेंगे तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और ये सबको पसंद भी आता है। नाचोस के साथ ये डिप बहुत ही बढ़िया लगता है। इसे इस तरह से खाना है और ये बहुत ही यम्मी बनता है। बनाइए और मुझे बताइए ये आपको कैसा लगा। सो मीट यू इन नेक्स्ट डिश, बट प्लीज़ मेक दिस। और बहुत ही अच्छा है, ये हेल्दी ऑप्शन है। जैसे कि मैंने ये बताया, हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, हमारे विजन के लिए अच्छा है, हमारे बोन्स के लिए अच्छा है, और प्रिवेंटिव है कैंसर के लिए। ओमेगा 3 है इसमें, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कितने सारे गुण हैं इस एवोकाडो में। सो चाहिए तो आप ये डेली बेसिस पे भी खा सकते हैं और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। तो खाइए और मुझे बताइए और मुझे फीडबैक दीजिए इस डिश का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मीट यू इन नेक्स्ट डिश, नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, सी यू।